देश में पुलिस और प्रशासन के साथ सपोर्ट सिस्टम की तरह काम करने वाली होमगार्ड का आज यानी 6 दिसंबर को स्थापना दिवस है। बहुत कम लोग जानते हैं कि 1962 का भारत चीन युद्ध इसके स्थापना के पीछे की एक बड़ी वजह है। हालांकि भारत में होमगार्ड की स्थापना काफी पहले की जा चुकी थी, लेकिन चीन युद्ध में एक बार फिर पुलिस को मददगारों की जरूरत महसूस हुई और 6 दिसंबर 1962 को गृह रक्षक संगठन का पुनर्गठन किया गया। तभी से होमगार्ड महकमे में सुधार की कवायद शुरू की जा चुकी थी। आजादी के बाद ये पहला मौका है जब इस बार होमगार्ड को अपना झंडा दिया गया है। इस महत्वपूर्ण दिवस को यूपी में 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में विवादित ढांचे की घटना के कारण विभाग अपना स्थापना दिवस समारोह नहीं मनाता था। इस दिन अयोध्या में विवादित ढांचा गिराया गया था, पूरे देश का माहौल बिगड़ गया और इस तारीख के बाद होमगार्ड का स्थापना दिवस समारोह भी महज फर्ज अदायगी बनकर रह गया। मार्च 2017 में उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार ने होमगार्ड महकमे में सुधार की कवायद शुरू की। पुलिस के सहायक के रूप में प्रशासन की सहायता के लिए नागरिक स्वैच्छिक बल के रूप में ये संगठन बनाया गया था। होमगार्ड को गृह मंत्रालय के अधीन राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों के होमगार्ड अधिनियम और नियमों के तहत बनाया गया था। महज 2000 की सीमित संख्या से शुरू हुए होमगार्ड मंडली में आज करीब 1.5 लाख से ज्यादा होमगार्ड जवान देश में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। कोरोना महामारी के दौर में भी होमगार्ड जवानों ने बड़ी भूमिका निभाई। होमगार्ड की कुल कंपनी की बात करें तो 785 ग्रामीण क्षेत्र में होमगार्ड कंपनी, 366 नगरी क्षेत्र में कंपनी और 60 महिला प्लाटून पूरे प्रदेश में स्थापित है। बहरहाल इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए। बाकी देश और दुनिया की अन्य बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए आज तक डिजिटल। त्योहार है चुनाव का, गहराई से सोचिएगा, जिंदाबाद जिंदाबाद के शोर से बचिएगा, करेंगे चुनाव के हर छोटे बड़े पहलू पर बात, देखिए दिन और रात क्या कहता है गुजरात, सिर्फ आज तक डिजिटल पर। सोशल मीडिया पर लिखिए #क्या कहता है गुजरात और देखिए हमारे ये शो।